भरत वचन सुनी सुनी सुर हर्षे, साधु सराही सुमन सुर वर्षे, असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस वनवासी, चुपही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची, जनक दूत ते ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए, कर प्रणाम तिन राम निहारे, देश देख भय निपट दुखारे, दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहो विधे भू पुछनाता, सुनी सच्चाई नाई महिमा था, बोले चरवर जोरे हाथा, बूझव राउर सादर साई, कुशल हेतो भय गोसाई, नाही तो कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जग सद भय अनाथ। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेही आयुष देव, सो सिर धर धर करहीं सब, मिटहीं अनट अवरेव। भरत जी ने पहले भगवान श्री राम के सामने दो तीन विकल्प रखे। भरत और शत्रुघ्न वन में चले जाएं, भगवान सीताराम जी लक्ष्मण जी अयोध्या लौट जाएं। दूसरा विकल्प दिया कि भगवान सीताराम जी अयोध्या लौट जाएं, हम तीनों भाई राम लक्ष्मण श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों भाई वन में जा सकते हैं, अथवा लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये दोनों वन में श्री राम अयोध्या लौट जाएं और वन में राम जी के साथ मैं जाऊं। ये जो तीसरी बात कही जा रही है, राम जी के साथ मैं जाऊं, तो इसको सुन के समझ के साधारण लोगों के मन में एक भ्रांति पैदा हो सकती है, भ्रांति पैदा हो सकती है कि भरत जी सेवा का अवसर लक्ष्मण जी से लेना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं। परंतु भरत जी लक्ष्मण जी की सेवा से बहुत संतुष्ट हैं और वो हृदय से चाहते हैं, हृदय से चाहते हैं कि लक्ष्मण जी जो हैं भगवान की सेवा में हैं, सेवा में बने रहें, उसमें उनकी प्रसन्नता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर भगवान अपनी सेवा का अवसर देते हैं तो वो अवसर भरत जी चूकना नहीं चाहते। अगर भगवान किसी प्रकार से भी सेवा का अवसर देते हैं तो उस सेवा से वो अलग नहीं हटना चाहते, चाहते हैं कि सेवा मिले। परंतु इन सब बातों में एक बात स्पष्ट दिखाई देती है, भरत जी अयोध्या अकेले नहीं लौटना चाहते, अयोध्या का राज नहीं संभालना चाहते। क्यों? भरत जी की एक मानसिकता है कि जिस राज को एक बार मैं संभालूंगा उसको फिर राम जी को सौंपना। हमारे यहाँ अमनिया, अब जैसे मिष्ठान इत्यादि बना, सब कुछ तैयार हो गया ठाकुर जी के भोग के लिए, उसमें से ठाकुर जी का जब तक भोग नहीं लगता तब तक कोई दूसरा व्यक्ति पाले तो वो फिर ठाकुर जी की सेवा के योग नहीं हो। और आप सबको शायद मालूम हो, ब्राह्मणों में जब प्रथम पंक्ति होती है भोजन की, उसमें जो ब्राह्मण पहली पंक्ति में बैठ के पाएंगे, उसके बाद दूसरी पंक्ति में वही ब्राह्मण ही है पाएंगे, तो वो समझेंगे कि ये हमारे पाने योग नहीं है, पहली पंक्ति में ही हमको पाना चाहिए। मतलब अपनी अपनी विचारधारा है, भले ही उसमें होता तो क्या है कि जैसे चावल है भात,
तो ऊपर ऊपर का जो सूखा सूखा है वो पहली पंगत में जाएगा, और नीचे का जो मुलायम है वो दूसरों को मिलने वाला है। इसी प्रकार से तस्मई में क्या होता है, अगर किशमिश छोड़ी गई, वैसे नहीं छोड़नी चाहिए, तो वो किशमिश सब नीचे डूब जाती है। जाने दो इन सब बातों को। तो कहने का मतलब ये है, भरत जी नहीं चाहते हैं किसी भी प्रकार से अयोध्या के शासन को एक बार मैं संभालूं। भगवान श्री राम हमेशा के लिए कहेंगे, भरत तुमने बहुत अच्छे ढंग से इस शासन को चलाया है, अब सदा सदा के लिए तुम ही चलाओ इसको। हम राजा के पद पे बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं कि हम राज छोड़ के जा रहे हैं, चलाओ तुम। भरत कभी नहीं चाहते, यह उनकी मानसिकता है। इसीलिए श्री भरत जी ने कहा कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न लौट जाएं। अगर भगवान श्री राम का ऐसा आग्रह है कि वन में जाना ही है उनको, तो मैं सेवा में रहूंगा। उसका मतलब यही है कि मेरे को अयोध्या नहीं लौटना है अकेले भगवान श्री राम। इस प्रकार से अनेक बातों के माध्यम से श्री भरत जी ने भगवान श्री राम को निवेदन किया। निवेदन करने के बाद उनके मन में ये विचार आ गया स्पष्ट एक, कि मैं किसी भी प्रकार से मैं चाहता हूँ, भरत जी एक ही बात चाहते हैं, भगवान श्री राम जो हैं सम्यक प्रकार से सुखी रहें, उसके लिए पूरी कोशिश है भरत जी की। और जब उन्होंने देखा कि वन में कुशकंटक इत्यादि पे भगवान चलेंगे, आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, भगवान श्री राम के पैर में एक बार कांटा गड़ा, भगवान श्री राम के पैर में एक कांटा गड़ा वन में जाते समय, सीता जी के भी गड़े, राम जी के भी गड़े। तो राम जी ने भूमि से कहा, मेरे पैर में जो कांटा गड़ा है इसका मेरे को कोई शोक नहीं है, परंतु आप जिस समय मेरा भरत आए उस समय एक भी कांटा नहीं गड़ना चाहिए भरत के। भूमि ने कहा, महाराज भरत तो ज्यादा सहनशील है, आपकी अपेक्षा ज्यादा सहनशील है, वो एक कांटा क्या वो सूली को भी सहन कर जाएगा, वो सूली को भी सहन कर देगा, उसके लिए कांटा कोई खास बात नहीं। भगवान ने कहा, मैं जानता हूं कि भरत बहुत सहनशील है, परंतु इस कांटे ने जो मेरे पैर में पीड़ा दी है उससे हजारों गुना पीड़ा भरत को हो जाएगी, तब वो कैसे, वो कैसे। कहा कि भरत को लगेगा कि मेरे प्रभु को इस प्रकार के कांटे इस मार्ग में गड़े होंगे, और वो चिंतन करके इतना अधिक दुखी हो जाएगा कि वो शरीर रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, वो भी कहना कठिन है, वो भी कहना कठिन। तो भूमि से कहा, और भूमि भगवान की आज्ञा मानती है, जब भरत जी जाते हैं तो अत्यंत सुकोमल हो गई है भूमि, कुछ कंटक कंकर भरत जी के रास्ते में एक नहीं आए। क्यों नहीं आए, भगवान श्री राम ने भूमि को आदेश दिया है, और आदेश इसलिए दिया है कि मेरा प्यारा भाई किसी प्रकार से दुखी ना हो, दुखी ना। इसी प्रकार से श्री भरत जी महाराज भगवान श्री राम के विषय में सोचते हैं कि हमारे प्रभु किसी प्रकार से दुखी ना हो, दुख का कोई ऐसा कारण ना बने जिससे प्रभु अपने आप में शारीरिक हो मानसिक हो। जब उनके मन में, जब भगवान श्री राम ने कहा तुम
हमारे पिता ने सत्य का निर्वाह करने के लिए मेरा त्याग कर दिया और मेरे त्याग के बाद शरीर नहीं रख सके, मेरे विरह में शरीर का त्याग कर दिया। अगर मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ, उनके वचन का निर्वाह नहीं करता हूँ, तो बहुत शोक होगा, मेरे को बहुत शोक होगा। तुमते और उससे अधिक शोक तुम्हारा है भरत। तो भरत जी ने उसी समय कह दिया कि मैं प्रभु को संकोच में नहीं डालना चाहता। आगे चल के स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो सेवक निज हित चाहई साहिब वहीं संकोची, अपने स्वामी को संकोच में डाल के अपना हित चाहता है, उसकी बुद्धि जो है अत्यंत निम्न स्तर की, निम्न स्तर की। तो भरत जी की ये विचारधारा रही है। भरत जी अयोध्या में अकेले लौटना नहीं चाहते हैं किसी भी प्रकार से। भगवान को कष्ट भी नहीं होना चाहिए, भगवान मानसिक रूप में, क्योंकि भरत जी ये अच्छे ढंग से जानते हैं, शारीरिक कष्ट नगण्य होता है, मानसिक कष्ट बहुत भारी होता है। आप देखते हैं शरीर में कोई पीड़ा हो रही है और मन में कोई ऐसा सुखद समाचार या कोई ऐसी सुखद तरंग आ गई, उस चिंतन में हम डूबे तो वो शारीरिक कष्ट भूल जाते हैं। और कभी कभी हमारी मानसिकता इतनी विकृत हो जाती है, हम अपने आप में इतने उद्विग्न हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में हमको शारीरिक सुख के लिए सब सुविधाएं होने पर भी वो पीड़ा नहीं जाती। मतलब सब मिला के मानसिक पीड़ा पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा उससे कम है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें शारीरिक और मानसिक, तो मानसिक पीड़ा ज़्यादा है, शारीरिक पीड़ा जो है उसकी तुलना में कम है, कम। सब हम मन की प्रसन्नता के लिए। इसीलिए भरत जी ने भगवान से निवेदन किया, जे विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई करुणा सागर कीजे सोई। जिस भी प्रकार से प्रभु आपका मन प्रसन्न हो वो आप कीजिए। भरत जी ने कहा, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी जो जही आयुष देव सो सिर धर धर करही सब मिटही अनट अवरेव। आप प्रभु प्रसन्न होके संकोच का त्याग करके जो जही आयुष देव, जिसको जो आप आज्ञा देंगे आदेश देंगे, सो सिर धर धर करही सब, वो आपकी आज्ञा को शिरोधारी करके वैसा ही करेंगे सब। और उसका परिणाम क्या आएगा, मिटही सब मिटही अनट अवरेव। ये जो नाना प्रकार की परेशानी पैदा हुई हैं, ये जो नाना प्रकार की कुचाल हुई हैं, ये सब हुआ है, सब मिट जाएगा, सब मिट जाएगा, सब सुखी हो जाएंगे, क्योंकि आपकी आज्ञा का पालन करने में सबका कल्याण है, सबका कल्याण है। समुद्र भी कहता है, प्रभु अज्ञा जहिका जसा ही सोते ही भांति रहे सुख लह। प्रभु अज्ञा जहिका जसा ही, प्रभु की आज्ञा जिसको जैसी है उसका पालन करने से सो सुख लही, वो सुख लेता है। ये एक रामचरितमानस का सिद्धांत है कि प्रभु की आज्ञा पालन करने में सबको सुख मिलता है, सम्यक प्रकार का सुख मिलता है, मानसिक और शारीरिक दोनों। अगर हम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो उसके विपरीत परिणाम हमको भोगने पड़ते हैं, और अगर हम प्रभु की आज्ञा को स्वीकार कर लेते हैं तो उसमें हम भी सुखी होते हैं, पूरा समाज भी सुखी होता है, पूरा समाज भी सुखी।
तो भरत जी ने जब इस प्रकार से निवेदन किया कि प्रभु आप जिसको जिस प्रकार की आज्ञा देंगे, आदेश देंगे, वो सब वैसा ही करेंगे, आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करके उसको क्रियान्वित करेंगे। ये नहीं कि केवल आज्ञा सिर पर धर ली, अब आज्ञा का बोझ उठाए घूम रहे हैं, सारी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम भगवान की आज्ञा शिरोधार्य की है। अरे बाबा, शिरोधार्य करने का मतलब ये है कि उसको चरितार्थ भी करो, क्रियान्वित भी करो। नहीं नहीं, हम तो भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करते हैं। भरत जी ने स्पष्ट किया, वो आपकी आज्ञा को शिरोधार्य भी करेगा और उसका पालन भी करेगा, यथोचित पालन करेगा। तो भरत वचन शुचि, भरत जी के वचन बड़े पवित्र हैं, शुचि। भरत वचन शुचि सुनि सुर हर्षे। अब तो देवता हर्षित हो गए, क्योंकि भरत जी ने अपना आग्रह सब छोड़ दिया है, सब आग्रह छोड़ दिया है। और भगवान जिस लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होइ धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करई अनित जायनी वर्णी, सीधई विप्र ध्यान सुर धरणी। इसके लिए तो भगवान का अवतार हुआ है। इन अधर्मी आताताई ताकतों को समूल नष्ट करने के लिए अब तो हमारा काम बनने वाला है। देवताओं को यही परेशानी है, राक्षसों के भय के कारण देवन तके सुमेरु की कंदराओं में जाके उनको निवास करना पड़ा। जो स्वर्ग के भोग हैं वो छूट गए। और आप जानते हो, कोई व्यक्ति लंबे समय तक सुख सुविधा और भोगों में डूबा रहा है और वो एकदम छीन लिया जाए, उससे क्या हालत होती, क्या हालत, बुरी हालत हो जाती है। जो शुरू से कष्ट भोग रहा है, खाने पीने को भोजन समय पे नहीं मिलता है, पहनने को वस्त्र नहीं है, ये नहीं है वो, उसको अगर तपस्या करनी भी पड़ी, निराहार रहना पड़ा, भोजन त्याग के व्रत करने पड़े, उसके लिए कोई समस्या नहीं। समस्या तो उनके लिए है कि जो तीन बार रोज भोजन, तीन बार चार बार रोज जो भोजन कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादा समस्या। जो भोगों में लिप्त हैं, उनके भोग जो छीन लिए जाते हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है। देवताओं की तकलीफ यही है, लंबे समय तक भोग भोगे हैं, अकर्मण्य होके भजन साधन कभी किया नहीं है। अगर भजन साधन किए होते तो भजन का जो आनंद इनको मिल जाता, तो ये स्वर्ग इत्यादि के सुख तुच्छ दिखाई। परंतु किया ही नहीं। वैसे सतोगुण प्रधान देवता माने जाते हैं, वो कहते भी हैं हम देवता परम अधिकारी, हम देवता हैं, हम तो भक्ति के अधिकारी तो हैं, क्योंकि हम सतोगुणी हैं। परं स्वार्थ रत तब भक्ति विसारी, परंतु हम इन भोगों में ऐसे फंसे और इनको अपना स्वार्थ समझ बैठे और आपकी भक्ति को भुला दिया। भगवान कहते हैं ठीक है, हम याद दिला देते हैं तुमको, भेज दिया रावण को, भेज दिया हिरण्यकशिपु को, भेज दिया हिरण्याक्ष को, भेजते रहते हैं एक एक को। इन देवताओं को जरा बुद्धि ठीक कर दो। वो सब जाके तपस्या करते हैं और तपस्या करके इनकी बुद्धि ठीक कर देते हैं देवताओं। और जब देवता कंदराओं में जाके आदि मानव की तरह साधन भजन करते हैं, अब करेंगे क्या, खाली बैठा है और तो कुछ कर नहीं सकता, नेत्र बंद करके बैठे रहेंगे। और जब कुछ नहीं किया जाता है तब ध्यान होता है। जब तक हम कर्ता बने हुए हैं, हम कर रहे हैं, तब तक ध्यान में प्रवेश नहीं होता। ध्यान में प्रवेश जब ही होता है जब हम अकर्ता हो, कुछ नहीं करते। ध्यान का सीधा सा मतलब है कुछ नहीं करो। चित्त वृत्ति का निरोध, अगर वृत्तियों का निरोध करने लगोगे चित्त और चंचल हो जाए।
और मन में जो जमी हुई परतें हैं वो उभर के सामने आने। तो ध्यान में कुछ किया नहीं जाता। तो देवता जब सुमेरु गिर की कंदराओं में होते हैं तो कुछ काम तो होता है। लॉकडाउन है, क्या करें? चलो नाम जप कर लेते हैं, रामायण का पाठ कर लेते हैं, देख लेते हैं कोई सीरियल, टाइम तो पास करना ही है, कोई काम तो है नहीं। तो देवता भरत जी के वचन जो बड़े पवित्र, इनके काम के वचन है ना, इसलिए इनको पवित्र दिख रहे हैं। इनकी पवित्रता अपवित्रता की परिभाषा अलग, आपकी परिभाषा अलग, या अश्वमेध कुंडलिकाक्षा सा बाह्य अभ्यंतर सूची, और इनकी परिभाषा अलग। इनका काम जिससे होता है वही सूची है, वही पवित्र है, काम होना चाहिए हमारा। तो भरत वचन सूची सुनी सुर हर्षे, देवता बहुत हर्षित हो गए कि अब तो हमारा काम बनने वाला है। भरत जी ने सब अपने आग्रह छोड़ दिए हैं, अब भरत जी का कोई आग्रह नहीं। साधु सराई सुमन सुर वर्षे, कहने लगे साधु साधु, कल्याण हो कल्याण हो। किसका? भरत जी का। अभी भरत जी की थोड़े समय पहले बुद्धि बदलने की बात सोचते थे, अब साधु साधु की कह के सराहना कर रहे हैं। साधु सराही सुमन सुर बरसे, अब इनके पास और तो कुछ है नहीं। कल्प वृक्ष ऐसा है कि मन चाही चीजें देता है, फूल खूब देता है, और खूब फूल बरसाने लगते हैं। आप देखो जब देवता प्रसन्न होते हैं फूल बरसाते हैं, कभी फल बरसाए क्या, मिष्ठान बरसाए क्या? कभी नहीं बरसाते हैं, फूल बरसाते हैं, फूल बरसाते हैं। तो साधु सराही सुमन सुर बरसे, साधु साधु कह के सराहना कर रहे हैं श्री भरत जी की, और पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, कल्प वृक्ष के पुष्प बरसा रहे हैं, अलौकिक दिव्य पुरुष दिव्य पुष्प बरसा रहे हैं, दिव्य पुष्प बरसा रहे हैं। असमंजस बस अवध निवासी, अयोध्या वासियों की तो स्थिति असमंजस बस होगी कि भगवान श्री राम कैसी किसको आज्ञा देते हैं, कौन भगवान की सेवा में रह के लाभ लेगा, कौन अयोध्या में जाके। अब भगवान की भरत जी ने तो यही निवेदन किया है ना कि आपकी आज्ञा जिसके लिए जैसी होगी उसको शिरोधारी करके उसको पालन करना है। तो किसके लिए कैसी आज्ञा होती है, कौन वन में जाएगा, कौन अयोध्या लौटेगा। असमंजस बस अवध निवासी, अयोध्या वासियों को बड़ा असमंजस है, नहीं स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या आगे का भगवान निर्णय लेते हैं, आगे का निर्णय भगवान क्या लेते हैं नहीं स्पष्ट। देवताओं को तो स्पष्ट हो गया कि हमारा काम बनने वाला है, इसमें अब कोई शक संदेह नहीं, शक की गुंजाइश ही नहीं। प्रमुदित मन तापस वनवासी, और तपस्वी और वनवासी बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों? कि अब तो भगवान श्री राम वन में रहेंगे, हम सबको भगवान श्री राम का दर्शन लाभ मिलेगा, उनसे सत्संग लाभ मिलेगा, और जो कोई हमारे ऊपर संकट आएगा उस संकट को भगवान राजीव नयन धरे धन सहायक, भगत विपत भंजन सुखदायक। ये धनुष्बाण इनका भक्तों की विपदाओं को दूर करने के लिए ही तो इन्होंने धारण कर रखा। जब कभी भक्तों के ऊपर कोई भी समस्या आएगी, तपस्वियों के ऊपर कोई समस्या आएगी, वनवासियों के ऊपर कोई समस्या आएगी, तो भगवान धनुष्बाण का प्रयोग करने में नहीं सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, तुरंत भुज उठाईपन की निश्चरहीन करूं वहीं। भगवान प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि इस भूमि को राक्षसों से रहित कर। तो वनवासी तपस्वी
मन में बहुत प्रमोदित है, बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, और रघुनाथ जी बड़े संकोची स्वभाव वाले हैं, कैसे कह दें कि आप सब पधारो, हम इधर वन में पधार रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, या हमको खाली रहने दो चित्रकूट में, शांति से बैठने दो, अब आप सब पधारो अयोध्या। परंतु संकोची स्वभाव है भगवान का, नहीं कह सकते भगवान, नहीं कह सकते। भरत जी ने भले ही कह दिया कि आप जिसको जो आज्ञा देंगे वो मानने के लिए तैयार है, माननी ही पड़ेगी, नहीं तो हम सब मनवा लेंगे, भरत लक्ष्मण ये सब मनवा लेंगे कि भगवान की आज्ञा नहीं मानोगे, सीधे से नहीं मानोगे। तो दोनों के पास ऐसी ताकत है, भरत जी के पास भी है। अरे सोचो, हनुमान जी को लेके बाण भरत जी का अयोध्या से लंका की ओर जाने के लिए तैयार है, ऐसे ऐसे दिव्य बाण है भरत जी के पास। भरत जी कोई साधारण धनुर्धर नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। आप उनकी ये कार्पण्यता और दीनता सुन के ऐसा नहीं सोच लेना कि भरत जी में किसी प्रकार की शक्ति सामर्थ्य नहीं है। राज भी 14 वर्ष तक इस प्रकार का किया, इस प्रकार का किया, जिससे संपूर्ण अयोध्या वासियों का हृदय परिवर्तित हो। आपको सबको मालूम है, महाराज दशरथ राम राज लाना चाहते थे, नहीं ला सके। आज भी लोग दुनिया में सब लोग कहते हैं राम राज, अर्थात नहीं दरिद्र को दुखी ना दीना, जिनके राज में देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं का हुई व्यापार। पर ये राम राज आएगा कब और कैसे, तो उसके लिए चाहिए त्यागी तपस्वी संत। बिना त्यागी तपस्वी संतों के ऐसा रामराज नहीं आता है। और वो त्यागी तपस्वी संत ऐसा नहीं है कि कपड़े उतार के बनना पड़ता है, कोपिन लगा के बनना पड़ता है। विभीषण के लिए भगवान कहते हैं, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धराऊं देह नहीं आनी। लंका में जब तक रावण का राज था, तब तक वहां की प्रजा सुखी नहीं थी, और जब संत का राज आया, विभीषण जैसे संत का राज आया, तो भगवान श्री राम चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व पे त्यागी तपस्वी संतों का राज। और संत तो नहीं चाहते, ऐसे ही संतों को भगवान राज पे बैठाते हैं जिनकी इच्छा नहीं है। जो इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में या असेंबली में पहुंचे हैं, ऐसे संत नहीं, त्यागी तपस्वी वीतरागी संत जो नहीं चाहते, नहीं चाहते, उनको बला जबरदस्ती देते। नारद जी के मन में यही समस्या, तब विवाह में चाहूं कि ना, प्रभु मैं तो विवाह करना चाहता था और आपने करने नहीं दिया, और भोले बाबा एक बार विवाह करके देख लिए थे, फिर जबरदस्ती उनका विवाह दोबारा करा दिया, जबकि वो नहीं चाहते थे दोबारा विवाह करना। आपकी लीला कुछ समझ में नहीं आती प्रभु, जो नहीं करना चाहता है उसको जबरदस्ती, और जो चाहता है उसको नहीं होने देते हैं। इन सब के पीछे कारण है, वो सब नहीं तो अभी ये भरत जी का प्रसंग हम सोच रहे हैं कि जरा थोड़ा आगे बढ़े। तो चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, रघुनाथ जी चुप रहे, कुछ बोले नहीं, बोल नहीं पा रहे हैं, क्यों? संकोची स्वभाव है उनका, संकोची स्वभाव। कुछ नहीं बोले भगवान। भगवान जानते हैं जब जीवन में दूसरे अस्त्र शस्त्र काम ना करें, तब
एक ऐसा अस्त्र है जो कामयाब हो जाता है। कहा वो कौन सा अस्त्र है? कहा प्रतीक्षा अस्त्र। प्रतीक्षा करो, आपके समस्या कोई आई, आपका मन निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहा है कि ऐसा कर लें ऐसा कर लें, कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो आप प्रतीक्षा करो। आप प्रतीक्षा करेंगे, हल सामने आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, नियति ने सब व्यवस्था कर रखी, वो सब नियत है, नियति है, उसका नाम ही नियति है। सब व्यवस्थाएं हैं, अपने आप होगा। क्यों हमारे जीवन में कोई समस्या है, ओढ़ के सो जाओ, अगर जरूरत है ओढ़ने की, नहीं तो बिना ओढ़े भी सो सकते हो, सो जाओ, क्या होगा? जब आप सुषुप्ति में प्रवेश करोगे तो आपका मन परमात्मा के साथ जुड़ा होगा। सुषुप्ति में आपके मन में परमात्मा विराज, आपका मन हृदय स्थान में होगा और परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इसीलिए तो सुषुप्ति के बाद बहुत अच्छी ताजगी होती है, अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी नींद आई, वाह। और जिस दिन नींद नहीं आती उस दिन आप परेशान हो जाते। तो कोई भी समस्या आ जाए, ये प्रतीक्षा अस्त्र का प्रयोग कर लेना। और प्रतीक्षा में कुछ करना नहीं, इसलिए ओढ़ के सो जाओ। तो अब चुप ही रहे रघुनाथ संकोची। रघुनाथ जी जो हैं बड़े संकोची स्वभाव के हैं, किसी को आज्ञा कैसे दें, नहीं कह सकते हैं अयोध्या वासियों से कि आप सब अपने अपने घर पे पधारो, ऐसा नहीं कह सकते हैं। भगवान प्रभु गति देख सभा सब सोच, और जब भगवान इस प्रकार से कुछ कह नहीं पा रहे हैं तो संपूर्ण सभा को भगवान की स्थिति देख के बड़ा सोच हो रहा है कि भगवान किस सोच में डूब गए, किस सोच में डूब गए। और उसी समय प्रतीक्षा अस्त्र ने काम कर दिया, एकदम एक जैसे कोई रंगमंच पे नाटक दिखाया जा रहा है, एकदम पर्दा पड़ा और दूसरा दृश्य सामने आ गया। देखने वाले जो दर्शक थे सोच रहे थे कि अब क्या होगा क्या होगा, तब तक पर्दा पड़ा और पर्दे के बाद दूसरा दृश्य दिखाई दे दिया। तो दूसरा दृश्य क्या दिखाई दे रहा है? जनक दूत ते ही अवसर आए। उसी समय जनक से जनक जी के दूत वहां पधारे, जनक जी के दूत वहां पधार गए हैं। ते ही अवसर, जब रघुनाथ जी संकोच में पड़े हुए थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, सब सभा रघुनाथ जी की स्थिति देख के सोच में डूब रही थी, और जब दूत आए हैं ऐसा समाचार अयोध्या के किसी सेवक ने दिया, तो वशिष्ठ जी ने मुनि वशिष्ठ सुनी बेग बुलाए, कहा शीघ्र ले आओ उनको, विलंब मत करो, जल्दी ले आओ। ऐसा शिष्टाचार है ना, सभा के बीच में दूत एकदम नहीं पहुंच सकते थे, भले ही वहां कोई ऐसी सीमा नहीं थी कि बाउंड्री वाल इत्यादि कुछ ऐसा नहीं था कि उसको पार कर, परंतु जनकपुर के दूत हैं, विवेक विचार वाले हैं, मूर्ख नहीं है कि सभा के बीच में जाके खड़े होके बोलने लग जाएं। संदेश भेजा कि हम सब जनक महाराज के दूत हैं, हमारा संदेश गुरु वशिष्ठ जी को दिया जाए, और गुरु वशिष्ठ जी के पास जैसे ही संदेश पहुंचा, मुनि वशिष्ठ सुनी बेग बुलाए, कहा शीघ्र ले आऊंगा शीघ्र ले आऊ, कर प्रणाम तिन राम निहारे। उन्होंने वशिष्ठ मुनि के चरणों में प्रणाम किया, वशिष्ठ जी के पास
भगवान श्री राम विराजमान है, उनकी तरफ उनकी दृष्टि गई, कर प्रणाम तिन राम निहारे, राम जी का दर्शन हुआ। बेश देख भाई निपट दुखारे, और भगवान का जब बेश देखा जनकपुर के दूतों ने तो अत्यंत दुखी हो गए। क्यों? तपस्वियों के वेश में भगवान को देख के क्या दुख हो गया भाई? कोई तपस्वी का वेश खराब है क्या जो ये सब दुखी हो गए? देखो हम गए मिथिला, मिथिला में एक अच्छे संत, अच्छे संत, उम्र उनकी 90 से ऊपर रही होगी, 100 पूरे नहीं हुए थे, 100 और 90 के बीच में। तो बस संत हैं, कहने लगे ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि दूल्हा सरकार का दर्शन करते हुए शरीर का प्रारब्ध पूरा हो जाए, मरने के क्षण तक, अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक जनकपुरवासी दूल्हा राम के उपासक। वो लोग नहीं मानते कि भगवान श्री राम विवाह के बाद अयोध्या गए, क्योंकि अयोध्या जाएंगे तो फिर वन में भी जाना पड़ेगा, वन में जाएंगे तो फिर सीता जी और ये सब अनेक प्रकार की लीलाएं, वो नहीं मानते उस रामायण को, वो लोग नहीं मानते। आदो राम तपो बनादि गमनम नहीं मानते, उनकी रामायण तो यहीं पूरी हो जाती है। काफिर ये जो राम जी गए, ये जो दूसरी रामायण में लिखा हुआ है जनकपुर से, वो सब कैसे हुआ? कहा कि भगवान श्री राम अपना एक सत्य प्रतिनिधित्व करते हुए, मतलब एक जैसे सत्य प्रतिलिपि होती है ना, ऐसा ही हूबहू राम जी जैसा बना के भेज दिए और दूल्हा राम जनकपुर में निवास करते हैं। तो इन दूतों के मन में दूल्हा राम की छवि बसी हुई है, दूल्हा राम की छवि बसी हुई है। तो इनको ये जो तपस्वी वेश है राम जी का, ये अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा नहीं लगा। जनक दूत तेई अफसर आए, मुनि बसे सुनी बेग बुलाए, कर प्रणाम तिन राम निहारे। उन्होंने प्रणाम करके राम जी को देखा और बेश देख भय निपट दुखारे, अत्यंत दुखी हो गए, निपट दुखारे, अत्यंत दुखी हो गए। बेश देख, राम जी का बेश देख के दूतन मुनिवर बूझी बाता। अब जब ये दुखी हो गए राम जी के बेश को देख के, कहो विधेय भूप को सुलाता। वशिष्ठ जी ने कहा कि इनकी चित्तवृत्ति को बदल दो। एक ही उपाय है ना, जब किसी कारण से हमारा मन दुखी हो रहा है तो चित्तवृत्ति को बदल देना चाहिए। और उसका अच्छा सरल उपाय है, नाच नाच के कीर्तन करो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कीर्तन करने लग जाओ। भगवान का नाम संकीर्तन करोगे तो एकदम चित्तवृत्ति कितने ही, क्योंकि दूसरा आप स्वाध्याय मन नहीं लगने वाला, ध्यान मन नहीं लगने वाला, जप मन नहीं लगने वाला, नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय आपके मन पे कली सवार है। और ऐसी स्थिति में आप दूसरी साधन भजन नहीं कर सकते। तो इसलिए अच्छा है नाम संकीर्तन, कली में नाम संकीर्तन, जब किसी के मन बुद्धि पे कली सवार हो जाए तो उस समय नाम संकीर्तन करना चाहिए, नाच नाच के खूब प्रेम से करो। तो वशिष्ठ जी ने, यहाँ भी कली तो थानी, त्रेता युग की बात है, इसलिए दूसरा प्रयोग किया है, दूसरा प्रयोग किया है। मुनि वशिष्ठ ने क्या किया, दूतन मुनिवर बूझी बाता, दूतों से श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी वार्तालाप कर रहे हैं। बूझी बाता मतलब बात पूछी, क्या कहो विधे भूप कुशलाता, अरे आप सब महाराज विधे की कुशलता का समाचार दें,
महाराज विधेय कुशल तो हैं। लोग ऐसा भी अनुमान करते हैं, जैसे हम नहीं करते, वशिष्ठ जी से ऐसी अपेक्षा भी नहीं करते कि वशिष्ठ जी ये सोच सकते हैं कि जिस प्रकार से राम जी का वनगमन सुन के दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए तो ये समधी हैं। जनक जी विधेयराज ये उनके समधी हैं, समधी समान धी यानी बुद्धि। जब दोनों की बुद्धि समान हो जाए तो वो कहलाते हैं समधी। आप सब तो ब्याई जी करते हो मतलब ब्याह के आई है, ब्याई हो गए ना, तो जो भी है तो बेस देख भय निपट दुखारे कहो विदेह भूप कुछ लाता। अरे वशिष्ठ जी ने पूछा कि महाराज विदेह की कुशलता का समाचार तो दो आपसे। सुनी सक चाई नाई नहीं माता। अब सब चाहते तो यही हैं कि भाई कुशलता का समाचार पूछा गया है तो आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है, सब कुशल मंगल है, ऐसा ही कहना चाहिए। परंतु महाराज दशरथ का मरण हो गया है, राम जी वन में आए हैं और आप कह रहे हो कि सब कुशल है, ये उत्तर तो अपने आप में सही नहीं हो सकता। तो जनकपुर के दूत हैं भगवती सीता जी, इन सबको सद्बुद्धि दे रखी है, समझ दे रखी है। जनक सुता जग जननी जानकी अक्षय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपत कमल मनावं जास कृपा निर्मल मति पावं। निर्मल मति है इन सब के पास, पवित्र बुद्धि है। तो इन्होंने क्या किया, सुन सक चाहिए, संकोच में पड़ गए क्या उत्तर दें। नाई मही माथा, पृथ्वी से भगवती सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ है इसलिए पृथ्वी की तरफ झुक के मस्तक नवाया कि हे पृथ्वी माता, आपकी पुत्री भगवती सीता जी हमको सद्बुद्धि दें जिससे हम सही वार्तालाप कर सकें, सही वार्तालाप कर सकें। बोले चरवर जोरे हाथा, अब इनको पास आ गई बुद्धि तो इन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया। क्या निवेदन करते हैं, बूझव राउर सादर साई, आपने जो आदर पूर्वक पूछा है कुशल है सो भयो गोसाई। आपने जो आदर पूर्वक महाराज विधेय के विषय में पूछा वो ही सब कुशलता का कारण हो गया, कुशल है सो भयो गोसाई। सब प्रकार से कुशल आपके पूछने मात्र से हो गई, वैसे नहीं हुई है कुशल, वैसे तो क्या था ना ही, तो कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। जब महाराज दशरथ स्वर्ग सिधारे तो सारे संसार की कुशलता को भी अपने साथ ले गए, कुशलता तो स्वर्ग में पहुंच गई है, वो भी स्वर्गवासी है। पर आपने अभी जो पूछा, बूझव राउर सादर साई, आपका जो आदर पूर्वक पूछना है कुशल है सो भयो गोसाई, वो कुशलता का कारण बन गया इसलिए कुशलता है। ना ही तो, नहीं तो क्या हुआ, कौशल नाथ के साथ, श्री कौशल नाथ महाराज दशरथ के साथ कुशलता भी चली गई है। उसमें मिथिला अवध विशेषते जग सब भयो अनाथ, मिथिला और जनक सहित अथवा संपूर्ण जगत अनाथ हो गया, उसमें मिथिला और अवध विशेष रूप में अनाथ हो गए, पूरा जगत अनाथ हो गया, क्योंकि महाराज दशरथ ऐसे सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी कुशलता, उनका शरीर पूरा होने के साथ सारे संसार की कुशलता चली, सारे संसार। रावण अयोध्या की तरफ देख नहीं सकता था, उसने छावनी खरदूषण को रख दिया, कहीं किसी को मारी सुभाव को रख दिया, ताड़का को रख दिया, परंतु अयोध्या की तरफ उसको श्राप मिला था,
अयोध्या में कभी आएगा तो तेरे सिर के फट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अयोध्या के जो सूर्यवंशी अनरण्य राजा हैं उनका नाम, तो रावण ने उनको धोखे से मार दिया था, पराजित किया था, मार दिया था। तो मरने से पहले उन्होंने श्राप दिया था कि अयोध्या में आगे आने वाले भविष्य में जो राजा होंगे उन्हीं के द्वारा तेरा वध होगा, और उससे पहले अगर तुरे को मृत्यु की इच्छा हो तो अयोध्या में पैर रखना, और अयोध्या में पैर रखेगा तो तेरा सिर फट के टुकड़े हो जाए। और रावण जानता था कि श्राप और वरदान दोनों ही लगते हैं, अगर वरदान श्राप झूठा तो वरदान भी झूठा हो जाएगा, इसलिए वो जानता है। तो मिथिला अवध विशेष थे जग सब भयो अनाथ, संपूर्ण जगत जो है अनाथ हो गया है, उसमें मिथिला और अवध विशेष रूप से अनाथ हो गए हैं, ऐसा दूत निवेदन कर रहे हैं, दूत निवेदन कर रहे हैं। कौशल पति गति सुन जन कोरा, भय सब लोक शोक बस गोरा। कौशल पति गति सुनि जन कोरा, भय सब लोक शोक बस गोरा। कौशल पति अर्थात महाराज दशरथ की गति सुन के संपूर्ण जनकपुरवासी और भय सब लोक शोक बस गोरा। जनकोरा के दोनों प्रकार के अर्थ हो सकते हैं, जनक महाराज से संबंधित परिवार वाले लोग परिजन, और भय सब लोक शोक बस गोरा ये पुरजन। पुरजन और परिजन दोनों ही जनकपुर के महाराज जनक से संबंधित जो परिजन हैं और पुरजन हैं वो सब शोक के वशीभूत होके शोक में डूब गए, शोक में डूब गए, ये दूत बता रहे हैं। जेहि देखे तेही समय विदेहु, उस समय जिसने महाराज विदेह को देखा नाम सत्य से लागन के, उस समय उनका नाम सत्य नहीं लग रहा था। कौन सा नाम? विदेह। वैसे जनक जी का नाम है शीर ध्वज, इनके छोटे भाई का नाम है कुश ध्वज, परंतु इनका उपनाम विदेह, क्योंकि ये देहातीत स्थिति में रहते थे, शरीर में रहते हुए भी शरीर में मोह ममता नहीं, शरीर के साथ राज वैभव ऐश्वर्य में मोह ममता नहीं, इसलिए इनको सब विधेय कहते थे, विधेय। और इनके पूर्वज का शरीर पूरा होने पे शरीर के मंथन से फिर आगे का वंश चला है, तो विदेह। जही देखे तेही समय विदेहु, नाम सत्यस लागन के हु। जिसने उस समय विदेह महाराज को देखा उन लोगों को उनका विदेह नाम जो है वो लगा कि ये नाम सत्य नहीं है, अर्थात देह में स्थित होके जिस प्रकार से दुखी होते हैं, देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति जिस प्रकार से दुखी होता है उसी प्रकार से महाराज जनक दुखी हो गए। केवल जनक ही नहीं हुए थे, जनकोरा और भय सब लोग शोक बस बोरा, सब शोक में डूब गए थे सब लोग। रानी कुचाल सुनत नरपाल ही, सूझ न कछ जस मणि बिन ब्याल ही। रानी की कुचाल सुन के महाराज जनक जो हैं
सुनत नरपाल ही, नरपाल है ना राजा, सूझ न कछ जस मणि बिन ब्याल। जिस प्रकार से मणि वाले सर्प की मणि कोई छीन ले और वो व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार से महाराज दशरथ के मरण का इतना दुख नहीं है। दुख किस बात का है? रानी कुचाल सुनत, माता केकई ने जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक महाराज दशरथ को वचन में आबद्ध कर लिया, पूरा समाचार पहुंच गया है, पूरे भूमंडल पे ये समाचार पहुंचा है। रानी कुचाली, रानी की कुचाल सुन के सुनत नर पाल हैं, सुन के महाराज जनक शिर ध्वज जनक सूझ न कछ, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए ऐसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। यह भी नहीं है कि अभी तत्काल अयोध्या पधारें, मान लो अयोध्या जाते हैं, कौशल्या इत्यादि को सांत्वना देते हैं, केकई को बुरा लगेगा। मन में विचार है कि कौशल्या जी को और सांत्वना देनी पड़ेगी, राम जी उनका बेटा जो है वन में गया है, तो ऐसी स्थिति में सांत्वना देनी पड़ेगी। और अगर केकई जी के कुछ धर्म नीति मर्यादा की बातें करते हैं, पता नहीं वो उसको स्वीकार करती हैं कि नहीं करती हैं। फिर समस्या इतनी तक नहीं रहने वाली है, भरत के लिए राज मांगा गया तो भरत जी राजा होंगे और राम जी वन में होंगे, तो भरत जी जो हैं उनके छोटे भाई कुश ध्वज के जमाई हैं, दामाद हैं छोटे भाई के। अब उसको लगेगा कि देखो मेरा जमाई जो है राजा हो गया तो इनको तकलीफ हो रही है। वैसे ऐसा दोनों भाइयों में कुछ नहीं है, कुश ध्वज और शेर ध्वज में ऐसा कोई नहीं है, परंतु अनेक प्रकार की बातें मन में तो आती हैं, कैसा होगा क्या होगा। तो महाराज जनक को कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से मणि छीन लेने पे रघुनाथ जी का वनगमन मणि छीन लेने जैसा है, महाराज जनक जो हैं बहुत व्याकुल हो गए हैं, बहुत व्याकुल हो गए हैं। भरत राज रघुवर वनवासु भा मिथिले सई हृदय हराश, भरत जी का राज और रघुनाथ जी का वनवास भा मिथिले सई हृदय हराश, हृदय में बड़ा राश हो रहा है, हृदय में बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा भय है, बड़ी चिंता है। हराशु राश, बड़ा भय है, बड़ा दुख है, बड़ी चिंता है महाराज को। परंतु जनक जी हैं, इनके पास तो बड़े बड़े योगी बड़े बड़े ज्ञानी अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं समाधान के लिए, परंतु जब डॉक्टर वैद्य स्वयं रोगी हो सबका इलाज करता है, परंतु स्वयं अगर रोगी है तब तो नृप बूझे बुध सचिव समाजू कहो विचार उचित कार। उन्होंने कहा ये जो सभासद हैं कौन कौन, बुध बुद्धिमान लोग, सचिव मंत्री लोग और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सबको इकट्ठा करके नृप बूझे, महाराज ने पूछा, क्या पूछा, कहो विचार उचित कार, आज हम सबको क्या करना चाहिए। ये नहीं कि सीधे निर्णय हम अकेले ले लें, सबसे पूछ रहे हैं कि आज ऐसी परिस्थिति में हमको करना क्या चाहिए। जनक जी है ना, समझ अबध असमंजस दो चलिए के रही ना कहे कच को। सब ने पूरी स्थिति समझ ली, नृप महाराज ने बता दी स्थिति ऐसी है कि जो हमारे छोटे भाई कुशध्वज हैं
उनके जमाई राजा बन गए हैं या बनाए जाने के लिए वरदान मांगा गया है, और हमारे जामाता को वन में भेज दिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? अयोध्या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? बड़ा असमंजस है। तो ये सब जो बुद्धिमान लोग हैं, सचिव इत्यादि हैं, और इनके गुरु सतानंद जी महाराज, कुल गुरु सतानंद जी, ये सब समझ अवध असमंजस, चलिए कि रहिए ना कह कछु, दोनों बातों में असमंजस है। कि ना तो चलने का कह सकते हैं कि अयोध्या, और ना ये कह सकते हैं कि नहीं चलो। अरे ऐसी जब घटना घटी है तो वहां जाना तो चाहिए ना। समधी मर गया है तो वहां नहीं जाना चाहिए क्या? जाना तो चाहिए। आगे के संबंधों को बिगाड़ना तो नहीं है, इसमें जाना चाहिए। और जाने पर वहां क्या क्या प्रतिक्रिया होगी, उन सब बातों को लेके असमंजस है। तो बुद्धिमान लोग, सचिव इत्यादि, असमंजस में पड़ गए। तब महाराज जनक जी ने नृपहि धीर धर हृदय विचार, धैर्य धारण करके हृदयस्थ परमात्मा का स्मरण करते हुए निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? पठे अवध चतुर चर चार, चार दूतों को, चतुर जो बहुत समझदार हैं, ऐसे दूतों को गुप्तचर के रूप में, गुप्तचर के रूप में वहां भेज दिया जाए। और क्या करेंगे वो गुप्तचर? ये महाराज जनक हृदय में विचार करें, धर धीर हृदय विचार, हृदय में धैर्य धारण किया और फिर विचार किया। क्योंकि जब तक चंचल चित्त से कोई विचार नहीं होता है, विचार करना है तो एकाग्र चित्त हो, शांत चित्त हो, धैर्य धारण, तब विचार करो। नृपहि धीर धर हृदय विचारी, पठे अवध चतुर चरचारी। चार गुप्तचरों को भेज दिया। क्या कहा? बूझि भरत सति भाव कुभाव, आयो बेग न होई लखाओ। आप वहां जाके भरत जी की गतिविधि को देखना। जनक जी ने विचार किया, 4 साल से भरत जी जो हैं अयोध्या से बाहर थे। महाराज दशरथ के मरणों उपरांत भरत जी अयोध्या आए हैं। जरूरी नहीं है कि भरत जी का इसमें किसी प्रकार से सम्मत रहा, ये केवल माता कैकेयी और उनके अन्य साथियों की उपज है, अथवा इसमें भरत भी सम्मिलित है, पहले ये बात जानो। इसके बाद फिर आगे कौन सा कदम उठाना चाहिए वो सोचा जाए, पहले इस बात को अच्छे ढंग से सोच लेना चाहिए। तो बूझि भरत सति भाव कुभाव, भरत जी के सच्चे भाव को, हृदय का क्या भाव है, उसको समझने के लिए अयोध्या भेज दिया। आयो बेग न होई लखाऊ, पर ख्याल रखना किसी दूसरे को मालूम ना पड़े कि तुम गुप्तचर बनके ये भरत जी की गतिविधियों को समझने की कोशिश कर रहे हो, ये बात मालूम नहीं पड़नी चाहिए कि जनकपुर से गुप्तचर आए और ये सब यहाँ के समाचार लेके गए। ये जनकपुर के दूत अब बता रहे हैं, उस समय गुप्त रखने जैसा था, अभी गुप्त रखने जैसा कुछ है नहीं, अभी तो सब खोल के सामने रख दिया। तो आयो बे न होई लखाऊ, महाराज जनक ने कहा कि भरत जी की गति और उनका सच्चा भाव, पवित्र भाव है या कुछ इसके विपरीत है, क्योंकि भरत जी के विषय में जानते हैं ये, जनक जी महाराज भी जानते हैं।
ये भरत तो सदा से राम जी का प्रेमी रहा है। फिर ऐसा सब हुआ है तो इसमें भरत दोषी है या नहीं है, ये केवल रानी कुचाल है मतलब माता केकी की कुचाल है, अथवा इसमें भरत का सम्मत भी है, तो वो सब देख। गए अवध चर भरत गति बूझ देख करतूत। अवध में पहुंचने के बाद उन गुप्तचरों ने भरत की गति देखी है, भरत किस प्रकार से माता केकई से मिलते हैं, किस प्रकार से माता कौशल्या जी से मिलते हैं, और उसके बाद क्या क्या हृदय के उद्गार निकलते हैं, किस प्रकार से महाराज दशरथ का अंत्येष्टि होता है, फिर सब सभाओं के द्वारा, गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा, माता कौशल्या के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा भरत को राज लेने के लिए प्रार्थना की जाती है, भरत उसको अस्वीकार करके चित्रकूट जाते हैं। तो वो सब बातें, चले चित्रकूट ही भरत, भरत जी जो हैं राम जी को मनाने चित्रकूट जा रहे हैं, ये सब उन गुप्तचरों ने देखा। और वहाँ से कहाँ चले, चले तिरहुत, तिरहुत के लिए वहाँ से रवाना हो गए। ये तिरहुत क्या है, आप दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम, तिरुपति, त्रिचना, तिरुपति और तिरुअनंतपुरम, ये सब तिरु, तिरु तिरु कहते हैं श्री को, लक्ष्मी को, जहां लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ अर्थात जनकपुर तिरहुत। उस समय पहले तिरहुत में कुछ समय पहले, अभी तो वर्तमान में क्या स्थिति है वो हम नहीं कह सकते हैं, दरभंगा, मोतिहारी, चंपारण, ये तीन जिले तिरहुत में गिने जाते, ये तिरहुत मंडल, हाथ का मंडल ऐसा साधु समाज में कहा जाता है। तिरहुत ये पहले जनकपुर जो है भारत में था, और वैसे तो भारत खंड, नेपाल जो है वो अभी भी भारत खंड में ही है, तिब्बत, त्रिविष्टप क्षेत्र तिब्बत, ये नेपाल, नीति का पालन करने वाला नए यानी नीति का पालन करने वाला नेपाल, ये राष्ट्र। तो नेपाल ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय वहाँ की जो गोरखाओं की खोज है, उसने गवर्नमेंट मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार के दृष्टिकोण से आई थी, और उसने फिर धीरे धीरे अपने पांव पसारे और धीरे धीरे सब पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था, भारत के अधिकांश भाग। तो वो नेपाल की फौज लेके विजयी हुए भारत के कुछ क्षेत्रों में, जब विजयी हुए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत खुश हो गई और नेपाल को कहा, तुम क्या चाहते हो? इन्होंने कहा, अन्न उत्पादन के लिए पहाड़ में अन्न बहुत नहीं उत्पादन होता है, कहा कि ये तराई का क्षेत्र तुम ले लो। नेपाल तराई जो है वो तराई का क्षेत्र, पैसे तो पूरा भारत ही था, भारत के 9 टुकड़े हो गए, तिब्बत, बर्मा, और फिर बर्मा मतलब ब्रह्म देश कहलाता था वो, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का नाम अफगानिस्तान था, तो ये पूरा भारत था, पूरा भारत था, विशाल भारत, उसके फिर टुकड़े हो गए, 15 राष्ट्र बने, 9 राष्ट्र तो ये बाद में बने। तो इस प्रकार से उस समय का जो भारत था, उस समय वो जो नेपाल
तराई का जो क्षेत्र है, ये अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात, मतलब बहुत पुरानी बात है, उन्होंने ये तराई का क्षेत्र तिरहुत, जनकपुर, ये सब नेपाल को सौंप दिया था। तो भारत ने भी, भारत जब आज़ाद हुआ तो फिर कोई ऐसा सीमा विवाद नहीं किया कि भाई ये क्षेत्र हमारा है, ठीक है तुम्हारा है, तुम रखो। परंतु जो अभी विवाद चल रहा है, वो धारचूला और लीपू लेक, वहाँ का जो विवाद है वो भी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही देन है। पहले जहाँ से ये काली गंगा, ऊपर बहुत से छोटे छोटे नदियाँ, नाले, झरने जो भी वो आते रहे, तो उन सब से मिलके बनी काली गंगा। तो काली गंगा का एक तरफ का क्षेत्र नेपाल और एक तरफ भारत। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक उस समय जो इन लोगों ने गोरखा रेजिमेंट ने अच्छी सफलता दिखाई, तो उसके कारण इनको पुरस्कार में कह दिया कि एक झरने से वो सब नेपाल हो गया। वो मतलब काली गंगा की जगह एक झरने से ही विभाजन, तो उसके कारण वो 5-1 किलोमीटर का क्षेत्र जो है विवादित बन गया। ये सब राजनीतिक बातें हैं, यहाँ तो तिरहुत वाली बात हम कर रहे हैं। चले तिरहुत, और वो तो तिरहुत चले, भरत जी की गति देख के गुप्तचर जो है जनकपुर पहुंचे, तिरहुत पहुंचे, और यहाँ घड़ी आगे बढ़ गई। इतने में वो नहीं रुकी, उसने कहा तुम कितने ही इधर उधर की बातें करो, हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। ये तिरहुत ही पहुंच पाए अभी, और अभी महाराज जनक के पास इनको पहुंचाना है, परंतु नहीं पहुंचा पाएंगे, नहीं पहुंचा पाएंगे। कागज जिसका नहीं, तो चले चित्रकूट ही भरत, चार चले तिरहुत। जय श्री राम।